रजाओ मुस्तफा के बाद अब ताजु शरिया है, अरब के चांद का अब तक उजाला है बरेली में। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा होता है तभी बंदा बिस्तर छोड़ता है जो यहाँ आता है। जितने लोग बैठे अपने मुकद्दर पे नाज करें। और माशाल्लाह शायर अहले सुन्नत शान अरब साहब मुरादाबादी एकदम क्लासिकल अंदाज में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि एक महीना बिल्कुल प्रोग्राम बंद रहते हैं, आवाज़ जो है उतना साथ नहीं दे पाती है, मगर सोहेल अख्तर साहब ने भी माशाल्लाह, शान अरब साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और ये बता दिया कि इत्र की, ऊद की, अंबर की, चमन की खुशबू। हजरात जिनकी उर्दू मजबूत होगी उन शेरों पे सुभान अल्लाह बोलेंगे। इत्र की, ऊद की, अंबर की, चमन की खुशबू सबसे अच्छी है शहीदी के वतन की खुशबू, सबसे अच्छी है शहीदी के वतन की खुशबू। और जिस पे सो जान से कुर्बान है बहारे जन्नत, जिस पे सो जान से कुर्बान है बहारे जन्नत, वो तो है सैयद आलम के बदन की खुशबू, वो तो है सैयद आलम के बदन की खुशबू। और सुनो, कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में, सभी को देख लेते हैं हुजूर अपनी हथेली में। और नसीमे सुबह ने लाकर ज़कात उनके पसीने की, नसीमे सुबह ने लाकर ज़कात उनके पसीने की, तहफ़ुज़ के लिए रख दी गुलाबों में चमेली में, तहफ़ुज़ के लिए रख दी गुलाबों में चमेली में। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने शेर सुना है वो शेर सुनो, मुझे बहुत पसंद है। हमारे बुजुर्ग हजरत कारी शरीफुर रहमान साहब क़िबला, इन्होंने दुनिया देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे खतीब भी हैं, शानदार कारी हैं, वो आएंगे, इनकी नज़र में कर रहा हूँ, आप साहब की, आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। शेर सुने, मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माइक सलमान भाई अच्छा बोल रहा है, इसको यहीं पर रखो। सुनो शेर सुनो, कोई जश्न नबी में जाए या दुनिया की रैली में, सभी को देख लेते हुजूर अपनी हथेली में। वो शेर सुनो, दबे पैरों अदब से पावजू ए फिक्रे दुनिया आ, दबे पैरों दरबे दबे पैरों दबे पैरों अदब से पावजू ए फिक्रे दुनिया आ, हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में, हुजूर आराम फरमा है मेरे दिल की हवेली में। और गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया, गरीबी में तेरा इखलास आका को पसंद आया। हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में, हलीमा ये न थी खूबी किसी तेरी सहेली में। और माशाल्लाह सब आला हजरत को मानते हैं, मानते आला हजरत को, उधर आला हजरत के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो ऐसे बच्चों से प्यार क्या करो, इस बच्चे के जन्मदिन की खुशी में प्रोग्राम हो रहा है, हमने भी किताबों में पढ़ा है, ऐसे बच्चों की वजह से अल्लाह रिस्क देता है, ऐसे बच्चों की वजह से अल्लाह मुसीबतें उठा लेता है, ऐसे बच्चों की वजह से परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसे बच्चों को कभी नजरअंदाज मत किया करो, ऐसे बच्चों से प्यार किया करो। इनके माँ बाप नहीं, जहां भी ऐसा बच्चा मिल जाए मोहब्बत से देखा करो, मोहब्बत से उसकी यानी जिद भी पूरी किया करो। शेर सुनो, नबी के इश्क का कोहे हिमालय है बरेली में, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी के इश्क का कोहे हिमालय है बरेली में, मुकम्मल सुन्नियत का बोल वाला है बरेली में, मुकम्मल सुन्नियत का बोल वाला है बरेली में। और रजाओ मुस्तफा के बाद अब ताजु शरिया है, रजाओ मुस्तफा के बाद अब ताजु शरिया है। अरब के चांद का अब तक उजाला है बरेली में, अरब के चांद का अब तक उजाला है बरेली में। हजरात बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा जज्बा है। सुन लीजिए, मैं उस अजीम शान शख्सियत को बुला रहा हूँ जो आपके साबित इमाम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनके शागिर्द हैं, बहुत सारे मदरसों में पढ़ाया है, बहुत शानदार कारी है। ये उस वक्त के कारी है जब बहुत कम कारी पाए जाते थे, इतना शानदार कुरान पढ़ते हैं। अगर एक आयत पढ़ दे तो आपका दिल कहेगा पूरा रुकू सुनना चाहिए। वो तशरीफ लाते हैं और तकरीर में भी अपना अलग अंदाज रखते हैं, अपने अंदर वो कमाल रखते हैं, दिल में इश्क रसूल का जमाल रखते हैं। ये नसर में तारीफ करते, अल्लाह ताला ने इनकी पता नहीं कौन सी दुआ कबूल फरमाई कि इनके बेटे सैफुल्लाह सुल्तानी को अल्लाह ने नजम में नबी की नात पढ़ने का हुनर दे दिया है। हजरात अब कारी शरीफुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत कारी शरीफुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। मैं शेर के साथ कि महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते।